गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज द अगली डकलिंग सेकेंड। देन वन डे हिज ट्रेवल टुक हिम नियर एन ओल्ड कंट्री वुमेन्स कॉटेज। तो एक दिन क्या होता है, जो गूज होता है वो अपने मतलब चलते चलते एक कंट्री वुमेन की झोंपड़ी के पास पहुंच गया। थिंकिंग यह सोचकर ही वॉज अ स्ट्रे गूज। तो जो कंट्री वुमेन होती है यह सोचती है कि वह क्या एक स्ट्रे गूज है, मतलब ऐसे ही घूमता फिरता है जिसका कोई ना हो। शी कॉट हिम, उसने उसे पकड़ लिया। आई शैल पुट दिस इन अ हच, मैं इसे अपने हच में रखूँगी। हच के लिए वो क्या करती है, उसको सोचती है कि हच में रखूँगी। आई होप इट्स अ फीमेल, यह क्या है, मुझे लगता है ये फीमेल है। एंड लेस प्लेंटी ऑफ एग्स, और ये बहुत सारे अंडे देगी। सैड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन ने कहा। हुज आई साइड वॉज पुअर, उसकी जो आँखें हैं वो क्या हैं, बहुत ही जिसकी आँखें बहुत ही मतलब पता चल रहा है जैसे कि उसका कोई ना हो, वो दुखी था वो। बट द अगली डकलिंग लेट नॉट अ सिंगल एग, लेकिन जो अगली डकलिंग था उसने एक भी सिंगल एग नहीं दिया। द हैन कैप्ट फैटनिंग हिम, जो हैन थी उसी झोंपड़ी में एक हैन भी रहती थी, वो उससे उसने वो उसने क्या किया, उससे झगड़ा किया, उससे झगड़ा करती थी हमेशा। जस्ट वेट इफ़ यू डोंट ले एग, वेट करो यदि तुम अंडे नहीं देते हो। कौन बोल रहा है, हैन कह रही है गूज से। द ओल्ड वुमेन विल रिंग योर नेक एंड पॉप योर इन टू द पॉट। तो अब क्या करेगी, जब तुम अंडे नहीं दोगे तो जो वुमेन है ओल्ड वुमेन वो तुम्हारी गर्दन को ऐंठ देगी और क्या करेगी, तुम्हारे पॉट में तुम्हें मतलब डाल देगी। मतलब उसको डरा रही है, जो हैन है वो किसको, गूज को डरा रही है। एंड द कैट चिप्ड इन ही आई होप द वुमेन कुक्स यू, और जो कैट है वो भी उसको बोल रही है कि हंसते हुए, मुझे लगता है जो वुमेन है वो तुम्हें कुक्स पका लेगी। देन आई कैन ग्रो एट योर बोन्स, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी बोन्स को चबाएंगे, मतलब बोन्स को खाएंगे। द पुअर अगली डकलिंग वॉज सो स्केयर्ड, जो पुअर अगली डकलिंग था बेचारा वो क्या कर गया, वो बहुत डर गया। दैट ही लॉस्ट हिज एपिट्यूड, और उसका जो वो था मतलब वो और ज़्यादा अंदर ही अंदर मतलब चिंतित होने लगा। और दो द ओल्ड वुमेन कैप्स स्टफिंग हिम विद फूड एंड ग्रम्बलिंग इफ़ यू वॉन्ट ले एग एट लीस्ट हरी अप एंड गेट प्लम्प। तो जो डकलिंग होता है उसको पता चल जाता है कि जो वो भोजन दे रही है और जो भी उसको खिला रही है वो कब क्यों दे रही है, क्योंकि उसको क्या है, उससे लालच है कि वो एग देगी और जिससे क्या होगा, मैं यहाँ पर जिससे मैं उसको रखूँगी। तो वो क्या करता है, उसको तो पता है मैं इफ़ यू वॉन्ट ले एग्स, यदि तुम अंडे नहीं देते हो तो क्या करो, एटलीस्ट कम से कम हरी अप जल्दी से यहाँ से क्या चले जाना चाहिए। ओ डियर मी मॉन्ट द टेरिफाइड डकलिंग, जो डकलिंग था डरा हुआ डकलिंग, आई विल डाई आई शैल डाई ऑफ फ्राइट फर्स्ट, मैं मर जाऊँगा। एंड आई डिड सो होप, और मुझे आशा है कि शमन वुड लव मी, मतलब उस वो क्या सोचता है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हर जगह से क्या मिलती है, उसे घृणा मिलती है, सब उसे नफरत करते हैं। देन वन नाइट, एक रात, फाइंडिंग द हच डोर अजार ही एस्केप्ड। तो जब एक दिन क्या होता है, जो हच का दरवाज़ा है वो खुला रह जाता है तो वहाँ से चला जाता है। वंस अगेन ही वॉज ऑल अलोन, फिर से क्या होता है, वो फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। ही फ्लैड एज फार अवे एज ही कुड एंड एट डाउन, तो वह क्या करता रहा, वो इतनी दूर चला गया, बहुत दूर, जितनी जल्दी जितना दूरी पर जा सका वो चलता चला गया, बहुत दूर पहुंच गया। ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया इन अ थिक बेड ऑफ रीड्स,
उसने अपने आप को कहीं घने मतलब पेड़ झाड़ियाँ वगैरह थी उस जगह पे पाया अपने आप को। इफ़ नो बडी वॉन्ट्स मी, यदि मुझे कोई नहीं चाहता है, आई शैल हाइड हियर फॉर एवर, मैं अपने आप को यहाँ हमेशा के लिए छिपा दूंगा, मतलब हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँगा। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, यहाँ पर बहुत सारा भोजन है। एंड द डकलिंग बिगेन टू फील अ लिटिल हैप्पियर, और जो डकलिंग है वो मतलब जो लिटिल हैप्पियर थोड़ी बहुत क्या होगी, खुशी होगी, खुशी महसूस होगी। दो ही वॉज लॉन्ली, जबकि यद्यपि वह क्या था, अकेला था। वन डे एक दिन, एट सनराइज सूरज उगते समय, ही शॉ अ फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स विंग ओवर हेड, उसने अपने ऊपर क्या देखा, सुंदर से पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वाइट विथ लॉन्ग स्लेंडर नेक्स, वो जो वाइट थे उनकी जो गर्दन थी वो कैसी थी, लंबी थी। एंड येल्लो बीक्स, उनकी जो चोंच थी वो कैसी थी, येल्लो। एंड लार्ज विंग्स, लंबे लंबे पंख। दे वर माइग्रेटिंग साउथ, वो किधर जा रहे थे, साउथ की ओर माइग्रेट कर रहे थे, मतलब साउथ की ओर बढ़ रहे थे। इफ़ ओनली आई कुड लुक लाइक देम, इफ ओनली आई कुड लुक, मैं देख सका, लाइक देम जस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए। सैड सेड द डकलिंग एडमायरली, तभी डकलिंग जो था वही जो परेशान था उसने एडमायरली किया कि विंटर केम, सर्दियाँ आ गई हैं। एंड द वाटर इन द रेड बेड फ्रोज, और जो वाटर है वो क्या हो रहा है, जम मतलब एक तरीके से बर्फ जम चुकी है। द पुअर डकलिंग लेफ्ट होम टू सीक फूड इन द स्नो, जो डकलिंग था, पुअर डकलिंग, उसने घर को तो छोड़ ही दिया था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। ही ड्रॉप्ड एग्जॉस्टेड टू द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर उतरा, मतलब ग्राउंड पर आए। बट अ फॉर जैसे ही वह ग्राउंड पर आया, क्योंकि अब क्या था, वो तो जहाँ पर गया था वहाँ पे क्या हो गया था, सर्दी आ गई। पहले तो वो जब गया था उस समय सर्दी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो बहुत सर्दी हो जाती है, और जो बर्फ़ जो पानी होता है नदी का वो जम जाता है। उसके बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है, मैं वहाँ पे तो रह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ भोजन कुछ खाने पीने को भी नहीं था, तो वो क्या करता है, ग्राउंड पर आता है। बट लेकिन अ फार्मर फाउंड हिम, उसको पाता है, एंड पुट हिम इन हिज बैग जैकेट पॉकेट, उसको क्या करता है, उसको अपने साथ ले जाता है, अपनी बिग मतलब जैकेट की एक पॉकेट होती है उसमें उसको रख लेता है। आई शैल टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रन, मैं इसे ले जाऊंगा अपने बच्चों के लिए घर पर। देश विल लुक आफ्टर हिम, पुअर थिंग ही इज़ फ्रोजन, क्योंकि सर्दी बहुत थी तो वो भी क्या हो गया था, वो भी जम गया था एक तरीके से ठंडी की वजह से। तो जब मैं घर ले जाऊंगा तो उसे, तो जो बच्चे हैं वो इसकी केयर करेंगे, देखेंगे इसे। द डकलिंग वाज सॉवर्ड विथ काइंडली केयर एट द फार्मर्स हाउस, जो तो डकलिंग होता है तो वो क्या करता है, जो दयालु फार्मर था वो अपने घर पर ले जाता है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे। इन दिस वे, इस तरीके से, द अगली डकलिंग वाज एबल टू सर्वाइव द बिटरली कोल्ड विंटर, तो जो अगली डकलिंग होता है वो मतलब अपने जीवन मतलब सर्वाइव कर लेता है, सर्दियाँ होती हैं वो आसानी से उसकी गुजर जाती हैं, क्योंकि वो जो फार्मर था वो अपने घर पर ले जाता है, तो उसकी जो सर्दियाँ होती हैं वो बीत जाती हैं। हाउ एवर वाई स्प्रिंग टाइम, अब क्या था, अब स्प्रिंग टाइम आ गया। आई हैड ग्रोन सो बिग, मैं बहुत बड़ा, वह बहुत बड़ा हो गया था। दैट द फार्मर डिसाइडेड, तब वह बहुत बड़ा हो गया, तब फार्मर ने डिसाइड किया, आई शैल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड, कि हमें अब इसको क्या कर देना चाहिए, तालाब में छोड़ देना चाहिए। दैट वॉज वेन द डकलिंग शो हिम सेल्फ मिरर्ड इन द वाटर, तो वो क्या करता है, उसको मतलब जो फार्मर होता है वो उसको तालाब में छोड़ देता है। तब उसने डकलिंग ने देखा हिम सेल्फ, अपने आप को, मिरर इन द वाटर, वाटर के पानी में उसको ने अपने आप को देखा। गॉडेस हाउ आई हैव चेंज, मैं कितना बदल गया हूँ। आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, मैं अपने आप को
मतलब नहीं मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ, मतलब आई हार्डली, मेरे लिए ही बहुत कठिन है अपने आप को पहचानना। द फ्लाइट ऑफ सन्स विंग्स नॉर्थ अगेन एंड ग्लाइडेड ऑन टू द पॉन्ड। तो द फ्लाइट ऑफ स्वान्स, जो स्वान्स थे उड़ रहे थे विंग्ड नॉर्थ की ओर अगेन, तो उसने देखा था, उसकी नज़र जाती है पॉन्ड पर। वैन द डकलिंग शो देम, जब डकलिंग ने, वो जो डकलिंग था वाइट वाला, जो अगली डकलिंग था, वही तो बहुत सुंदर हो गया था क्योंकि वो बड़ा हो गया, वो तो डक था। तो शो देम, उनको देखा, ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ, ही वॉज वन ऑफ देयर काइंड, वह उन्हीं के जैसा है। मतलब जब वो उनको सुंदर सुंदर से पक्षियों को नॉर्थ के द्वारा से देखता है जाते हुए उड़ते हुए, तो जब उसको रियलाइज होता है कि मैं तो इन्हीं की तरह हूँ बिल्कुल। एंड द सून मेड फ्रेंड, वो जल्दी मित्र बन गए। वी आर स्वान लाइक यू, वी आर, हम हैं स्वान्स लाइक यू, तुम्हारी तरह। दे सेड वार्मली, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मतलब फ्रेंड बन जाते हैं वो। देन वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छिपे हुए थे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यह बहुत बड़ी कहानी है, रिप्लाइड द यंग स्वान, छोटे से स्वान ने कहा। स्टिल स्टॉन्टेड नाउ ही स्वान मैजेस्टिकली बिद हिम फॉलो स्वान। तो अब क्या होता है, अब तो वो खुश रहता है ना, स्वान मैजेस्टिकली बहुत खुश था, बिद मतलब उनको फॉलो करता है, स्वान्स को उनके साथ साथ रहता है। वन डे, एक दिन, ही हियर चिल्ड्रन ऑन द रिवर पार्क, रिवर बैंक एक्सक्लेम, जब उसने सुना बच्चों को नदी नदी के किनारे, जब उसने बच्चों की आवाज़ सुनी, लुक एट दैट यंग स्वान, उस यंग स्वान को देखो, मतलब जब वो क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है उन स्वान्स के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, किसी ने सुना, मतलब ही, तो फिर क्या होता है, नदी के किनारे पर जब बच्चे निकल के जाते, तो उन्होंने उसने सुना, नदी के किनारे बच्चे होते हैं, तब वो सुनता है, कौन, जो यंग स्वान था सबसे छोटा, तो वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि लुक एट दैट यंग स्वान, उस छोटे से स्वान को देखो, ही इज़ द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल, वो सभी में क्या है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। एंड और ही ऑलमोस्ट बस्ट विद हैप्पीनेस, तो उस क्या होता है, बहुत खुश रहता है, मतलब उसको भी रियलाइज हो जाता है स्वान को कि मैं भी क्या नहीं हूँ, अगली डकलिंग नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटा था तो थोड़ा देखने में भद्दा लगता था, तो सभी उससे क्या करते थे, नफरत करते थे। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है, वो बड़ा हो जाता है कि मैं भी इन्हीं की तरह इतना सुंदर हूँ, तो वो फिर हैप्पी हैप्पी सर्वाइव करने लगता है।